Assalamualaikum, my dear students. This is the book of class 10 chemistry and today we are solving practical number 1. To study the allotropic form of sulfur. Students, इसके मैं monoclinic sulfur को ready कर चुका हूँ, वो वीडियो मैंने बना ली, वो आप वॉच कर लीजिएगा. Rhombic sulfur भी हमने ready कर लिए. आज final है हमारे पास, plastic sulfur हम ready करेंगे. इसके लिए जो apparatus चाहिए, China dish की जगह हम test tube इस्तेमाल कर रहे हैं. Tripod stand, बंसम बर्नर, बीकर. केमिकल हमारे पास सल्फर है, ये पूरा आपको प्रैक्टिकल जर्नल में उतार देना है, ये पेज और ये डायग्राम्स बना लेनी है. उसके बाद इसका प्रोसीजर उतारिएगा. ये और भी ये प्लास्टिक सल्फर का आदम कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखें, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए स्टूडेंट्स. हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे चाहिए हमारे को, हमें चाहिए ट्राइपॉड स्टैंड, स्पिट लैम्प, चाइना डिश, ग्लास रोड, वन बीकर एंड चाइना डिश. तो स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग test tube on place of China dish. Okay, so here this is test tube. Okay, and we add some powder of sulfur in this test tube. Okay, students. Yes. So and this is our tripod stand. This is spit lamp, students. This is wire gauze. Okay, we are keeping on this line. Okay, and this is spit lamp. Okay, so we are now starting. Okay, जी. So students, यहाँ पे देखिए, test tube के अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं. अभी ये सल्फर के जो एटम्स हैं आपस में क्या होंगे, लाजमी तो मेल्ट होंगे. तो इसका ये कलर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा. देखिए आप कलर चेंज होता तो नजर आ रहा है आपको, ये देखिए. ठीक है, तो जब ये मेल्ट हो जाएगी तो इसको हम बीकर में डाल देंगे और ये हमारे प्लास्टिक सल्फर रेडी हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, सॉलिड को जब आप पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में उसकी बॉन्डिंग पावर ब्रेक होगी. ठीक है ना, तो वो मेल्ट होगी. बर्फ को बाहर निकाले तो क्या होगी, लिक्विड में चेंज होती है ना, सॉलिड हालत में होती है. तो उस पर थोड़ा सा टेम्परेचर पे भी देखें, ये बबल्स आना शुरू हो रहे हैं. ये हम अभी क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक सल्फर तैयार कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें एप्रेटस क्या क्या चाहिए, चाइना डिश की जगह हम यहाँ टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं. केमिकल में सल्फर, ट्राइपॉड स्टैंड, स्पिट लैम्प और हमारे पास जो है यहाँ पर बीकर है. सही है स्टूडेंट्स, तो ये हम प्लास्टिक सल्फर को रेडी कर रहे हैं. ठीक है, बीकर. ओके, ये हमने मेल्ट कर दिए और इसको हम बीकर में हम डाल रहे हैं. ठीक है, ये हमारी प्लास्टिक सल्फर रेडी हो जाएगी. ओके, यहाँ पे देखें, लुक एट केयरफुली. तो ये हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं. देखें आपको इसको ये नज़र आ रही है, प्लास्टिक सल्फर रेडी हो गई. ओके स्टूडेंट्स, सो ये देखें प्लास्टिक सल्फर है और ये इलास्टिकेबल होती है. ये हमको रेडी करनी थी, जो हमने रेडी कर ली है और ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है. सो काइंडली डोंट forget to the bell icon, so like and subscribe my video and write your comments in the comment box. Okay students, okay, thank you very much. Aur isko aap share kar lijiyega. Okay, thank you very much.